चर्चित डबल पैसे मामले में हमने अभी तक आपको दिलीप नामक एजेंट और महिला एजेंट का ऑडियो क्लिप सुनाया था, जिसमें दोनों एजेंट इस मामले के मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी से बात कर रहे हैं। अभी हम आपको इस मामले से जुड़ा तीसरा वीडियो क्लिप दिखाएंगे। अरे बहुत मेरे को जीने नहीं दे रहे, क्या बोलो, तुमने 25 तारीख का बोले थे ना घर पे, इतने तो तुंगे के तुंगे आ रहे, क्या बोलो। 24 है ना, वही तो मैं यार देखता हूँ भाई, क्या करूँ यार, है क्या लोग। अरे बात तुम्हारी सही है, हमने कहा जाना जीने, बहुत बताओ तुम, कोई सुकून चैन सब आराम हो गया यार, क्या बोलूं मैं। आप यह पब्लिक है, सब जानती है। जी हाँ, कुछ इसी तरह का डायलॉग ताजबाग परिसर के एजेंट करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी राजिक कुरैशी के साथ कर रहे हैं। चलिए हम आपको सुनाते हैं एजेंट और राजिक कुरैशी की बातचीत के कुछ अंश, जिसमें साफ तौर पर वह सामने वाले से कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बात कुछ इंतजाम तो कर रहे हो तुम। हेलो, अरे अप्पू भाई तो मेरे संग आते हैं, फटते उनके घर पे, इतने लोग मारने आ रहे उनको। अरे हाँ बहुत, लेकिन पब्लिक भी तो समझने को होना ना, पब्लिक का है ना। वहीं दूसरी ओर यह आरोपी अपने साथियों के संपर्क में लगातार बने रहकर उन्हें आश्वासन दे रहा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दरअसल यह ऑडियो क्लिप नहीं बल्कि एक वीडियो क्लिप है, जिसमें राजिक फहीम नामक एजेंट से बात कर रहा है। यह आरोपी एक वीडियो क्लिप में अपने साथ धोखाधड़ी के षड्यंत्र में पार्टनर रह चुके एजेंट से बात कर रहा है। इससे पहले भी वह अपने दो एजेंट से बात कर चुका है। पब्लिक का है अरे यार बॉस, मेरे पे कितना टॉर्चर कर रहे हैं लोग, तूने उसके अब्बा को काय को बिछोड़ के आया, उन्होंने पैसे ले लिए जाके उनके साथ, और ऐसा वैसा कितनी बातें चल रही यार बॉस। अरे कर देंगे कुछ नहीं, पैसे दिए ना तुमने, बवाल करे ना उन्होंने। ताज्जुब की बात तो यह है कि राजिक कुरैशी ने कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की है, और आज भी कई लोगों के पैसे को लौटाना बाकी है। फिर भी ना जाने लोगों को राजिक पर यह विश्वास है या उसका डर कि कोई भी खुलकर उसके खिलाफ बोलने के लिए सामने नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि राजिक पिछले कई महीनों से फरार है, ना तो आरोपी को अब तक पुलिस पकड़ पाई है और ना ही आरोपी का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन यह कैसी गुत्थी है जो सुलझाने की बजाय दिनों दिन उलझती ही जा रही है। क्या बोलूंगा उनको, ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप गाला उतार कर रहे हो, ला मैं ले आऊंगा, मैं रखूंगा, छोड़ दूंगा उनके कहने। गौर करने वाली बात यह है कि राजिक और उसके एजेंट की आपसी बातचीत के बाद उसके एजेंट राजिक की बहन के ससुराल जा पहुंचे। इसका वीडियो भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। नागपुर से, ताजबाग से। हाँ तो काम कौन सा है? तेरे भाई साहब है ना? मेरे भाई साहब? अरे तुम्हारे बड़े वाले भाई, तुम्हारे दो लड़के ना जी, ये दूसरा और कहाँ से आ गया? अरे भैया ये बड़े हैं ना, ये बड़ा है ना, मंजिला वाला कहाँ है जो बुरा वाला है? गोरे वाले वो मेरा बेटा अभी यहाँ नहीं है। रिश्तेदार है उनके, राजिक की सास है ना, ये राजिक की बहन की, वो है सास।
राजी की बहन कहाँ है? राजी की बहन यही तो रहती है जी। अरे यहाँ रहती है भैया, है कि नहीं ना? तो कहाँ गई है? हमको क्या मालूम? अरे जहाँ भी गए रहते यही थे ना। लेकिन हमारे घर को नहीं है बेटा, हमारे घर को नहीं है बेटा। वो सुनो, तुम्हारे रिश्तेदार है मानते हो? अभी मान रहे उनको बुलाओ, दीदी को अंदर गई बुलाओ। जाओ ओ बाजी, इधर आओ बाजी, इधर आओ, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हाँ आप जाओ, आप जाओ, जाइए, नहीं तो मैं पुलिस बाहर। हाँ नहीं 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 राजक और उनके एजेंट के बीच चल रही इस बात से साफ जाहिर हो रहा है कि आरोपी लगातार अपने एजेंट के संपर्क में है। बहरहाल राजक की इन हरकतों से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे साथ में कौन कौन आया था वहाँ पे? अभी तुम सर में ये तुम वीडियो कॉलिंग लगा दो अपने तरफ के, अपने दोस्त भाई है, नम्मू बॉस है मेरा भाई है, सब अपने लोग, तुम फोन लगाओ, मेरे साथ मोहब्बत में घूम रहे हैं। आई बात समझ रहे, तुम्हारे चक्कर में यार। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। हाँ मैंने तुम्हारे को कितना बोल दिया, भले मेरा फोन दो दिन बंद रहे या तीन दिन बंद रहे, लेकिन मैं फोन करूंगा यार। पब्लिक नहीं मान रही ना यार, पब्लिक हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। अरे बॉस, लेकिन पब्लिक नहीं मांग रही ना, मेरे भाई ने कभी इतनी बातें नहीं सुना यार, ये लोग बैठा है मेरा भाई, मेरे भाई राजीव भाई, मैंने कभी इतनी बेइज्जती नहीं सहा। 400 लोग मेरे घर पे आ रहे रोज दुआ साहब, मैं भागते फिर रहा मेरे भाई के साथ, कल रास्ते फरार हूँ, क्या बोलूं यार। राजक की लगातार वायरल हो रही इस ऑडियो क्लिप को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। राजक से जुड़े और भी कई ऐसे खुलासे जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड को देखना ना भूलें।